आप तक पहुंचा देते हैं। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे राजनांदगांव। शहर में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में हुए शामिल। शहर के मुख्य चौक चौराहों में निकाली जाएगी यात्रा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। अमन कर पाथन और आज बाबा गुरु घासीदास जी से हमारी प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद हमला मिलते रहे, ताकि छत्तीसगढ़ के जो 3 करोड़ जनता हमला सरकार में जो विश्वास के साथ बैठाई से वो विश्वास में हमन खरा उतर पान। समाज की तरफ से काफी कुछ मांग आई से, सब मांग के एक साथ पूरा करना तो संभव नहीं है, और हमन 5 साल पर आए हन, 5 साल सरकार में रहो तो सब कामला करबो, लेकिन आज यहाँ आए हन तो एक मांग आई से शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेलका डी के नामकरण पर, तो मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेलका डी एकर नाम संत गुरु घासीदास बाबा के नाम से करे के घोषणा करत हूं। और दूसरा घोषणा, ग्राम सोने सरार सनातन भवन निर्माण हेतु 10 लाख के घोषणा करत हूं। सतनाम भवन में मंच निर्माण राजनांदगांव एकर लिए 10 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। साकर ताहरा में सतनाम भवन निर्माण हेतु ये डोंगर गांव में 10 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और मिनी माता स्टेचू निर्माण पॉलिटेक्निक कॉलेज राजनांदगांव एकर लिए 5 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और मोतीपुर राजनांदगांव में सतनाम भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और अंत में फिर से एक बार आप सब मन हमला यहां बुलाओ, हमर के सम्मान करो, एकर लिए पूरे सतनाम अधिकारी मल्ला अपन बहुत बधाई शुभकामना देते हुए बात लाही यही अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जय। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की। धन्यवाद। लीजिए, मेमेंटो भेंट के लिए मैं हमारे जिला के अध्यक्ष भाई युवराज दास ढिढेर जी से आग्रह की माननीय मुख्यमंत्री जी का मेमेंटो भेंट कर साल भेंट करके स्वागत करें। पदाधिकारीगण आप लोग रुकिए, अभी कार्यक्रम और है, बच्चा है, रुकिए आप लोग, इसके बाद भोजन व्यवस्था है। तो लीजिए माननीय अध्यक्ष जी, सीएम साहब का स्वागत करते पूरी टीम के साथ। यहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय, और यहां पर उन्होंने तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही राजनांदगांव के लिए उन्होंने कई घोषणाएं की हैं, शहर को कई तोहफे दिए हैं। सीएम विष्णुदेव साय राजनांदगांव पहुंचे और यहां पर तिरंगा यात्रा के दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और राजनांदगांव को के लिए कई घोषणाएं की। ये तस्वीरें हम राजनांदगांव से आप तक पहुंचा रहे हैं।